मेरी तरफ से सभी को राधे राधे दोस्तों। मूंग दाल के मंगोड़े, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमने मूंग दाल ली है ग्रीन कलर की, वो भी छिलकों वाली। इसे हम भिगोएंगे पानी में और 4 से 5 घंटे तक इसको भिगो के रखेंगे। ये है, देख लीजिए, ये ऐसे हमने इसे भिगो दिया है 4 से 5 घंटे के लिए। देखिए ये इसके बाद ऐसे हो गई है, और तो हम थोड़ा मसलते चलेंगे और इसको दूसरे पानी से वॉश करेंगे। देखिए ऐसे टूटने लगे तो समझ जाना कि हाँ ये हो गई है। ज़्यादा देर इससे ज़्यादा नहीं रखना हमें, एक बार ऐसे मसल देना दो तीन। हमने बिना छिलकों वाली क्यों ली? बिना छिलकों वाली हमने इसलिए ली क्योंकि इसके जो छिलके हैं हमें पूरी तरह से इसके हटाने नहीं हैं, थोड़े थोड़े रखने हैं। यही जो है इसमें क्रिस्पीनेस लाएंगे, उन्हीं से इनमें करारापन आएगा। और देखिए अब हमने इसको 2-3 बार ऐसे मसल के इसको धोना है और अच्छे से साफ पानी से निकाल लेना है। देखिए आप इसको ऐसे करना है, देखिए छिलका बिल्कुल ऊपर आ गया है मसलने के बाद, दाल अलग हो गई है। हमें पूरी तरह से छिलका पूरा नहीं निकालना, थोड़ा थोड़ा दाल में रखना है और तो मसलते मसलते ये देखो छिलका हो गया ना अलग। ऐसे ही हमें छिलका अलग कर लेना है, पूरी तरह से नहीं करना, पूरी तरह से करेंगे तो इसमें करारापन नहीं आएगा। ये देखिए इसमें है, थोड़ा थोड़ा रखा है और थोड़ा थोड़ा नहीं है। अब इसको हम मिक्सी में डाल के ग्राइंड करेंगे, और ये हम मिक्सी में डाल रहे हैं इसको। ये देखिए पीसते वक्त ध्यान दीजिएगा, इसका हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना, इसका दरदरा पीसना है थोड़ा थोड़ा ताकि इसमें करारापन रहे। अब आगे हमें इसमें क्या क्या डालना है, वो है गार्लिक चिली, ये कश्मीरी मिर्च है जो सूखी हुई है, ये हमने क्यों डालनी है ये आपको बाद में बताएंगे। और ये देखिए ये तीनों चीज़ें डाल दी, इनको हमें मोमदस्ते में डाल के कूटना है। ये देखिए हम मोमदस्ते में डाल रहे हैं इसको और इसको कूटेंगे दरदरा दरदरा, क्योंकि हमें इसका फाइन सा कोई पेस्ट वगैरह नहीं बनाना, हमें सिर्फ दरदरा दरदरा डालना है उसमें। और इसमें कुछ हम सूखे धनिया भी डालेंगे, ये स्मेल के लिए अच्छे होते हैं, ये डालें और इसको हम कूट लेंगे। कूटने के बाद हमें कैसा दिखेगा ये देखिए, कूटने के बाद ये ऐसा दिखेगा। हमें इतना ही रखना है इसको, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि धनिया का अपना अलग ही टेस्ट होता है तो इससे अलग टेस्ट आएगा। रेड चिली पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, बस यही डालना है। और ये इसका फाइन नहीं है, देखिए ऐसे दरदरा रखना है। आप चाहे इसको पीसने के बाद हाथ से चेक कर लीजिएगा, पीसते टाइम पानी नहीं डालना ध्यान रखिएगा। ये हमने कुछ चिली डाल दी थी इसमें ग्रीन, और इस साइड हमने अपना तेल गरम कर दिया है। अब थोड़ा गरम हो गया तेल, हम एक एक करके डाल रहे हैं। गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमे रखें, उसके बाद इसमें धीरे धीरे करके एक एक करके डाल दीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसमें हम फ्राई कर रहे हैं, एक एक करके डालते जा रहे हैं। गैस की फ्लेम हमने धीमी कर रखी है, अभी जब सब डल जाएंगे फिर हम तेज कर देंगे, क्योंकि ये जले नहीं नीचे से, इसलिए। कुछ टाइम बाद देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, पहले वाइट थे अब गोल्डन ब्राउन से दिख रहे हैं, जब हो जाएंगे तो बिल्कुल ही ब्राउन होने लगेंगे। देखिए ये हो गए बिल्कुल गोल्डन, हमें ऐसे ही रखना है। ये करारे हो चुके हैं बिल्कुल, जैसा कि देख रहे हैं आप सारे हो चुके हैं बिल्कुल। अब इसे हम सर्व करेंगे। ये हमने सबसे पहली प्लेट गुन्नू की लगाई है, और गुन्नू खा के पहले सबसे पहले वही बताएगी कि ये कैसी है। ये गुन्नू खा रही है, गुन्नू को बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है गुन्नू, गुन्नू को तो मज़ा आ गया। बहुत टेस्टी है। नारियल की चटनी और मोमोज की चटनी के साथ हमने इसको खिलाया था, इसको मोमोज की चटनी के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे।
और ये बहुत ज़्यादा खाती हूँ। क्योंकि करारे भी हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।